हाय फ्रेंड्स, आई एम आसिफ एंड वेलकम माय चैनल द रियल लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और फ्रेंड्स, खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए जो अपना कोई ख्वाब, अपना कोई ड्रीम अपने बच्चों के ज़रिए पूरा कराने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के ख्वाब या अपने पेरेंट्स के ख्वाब को पूरा करने में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया के जितने भी माँ बाप हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सब की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा आगे जाकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में सक्सेस हो और अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। तो फ्रेंड्स, हमारे ये पेरेंट्स की, हमारे माँ बाप की जो ख्वाहिश है, ये बिल्कुल जायज़ है और फ्रेंड्स, ये ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, गड़बड़ जब होती है जब हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो हैं, वो अपना कोई ख्वाब, अपना कोई ड्रीम जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी देखा था और किसी वजह से पूरा नहीं हो सका, और वही ख्वाब, वही ड्रीम्स वो अपने बच्चे के ज़रिए पूरा कराने की कोशिश करते हैं। या फिर फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने आसपास या अपने रिलेशन में जो है, वो किसी एक ऐसे बंदे को देखते हैं जिसने अपनी लाइफ में कोई काम किया और उस काम के ज़रिए वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम भी वही सेम काम करें, उसी बंदे की तरह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के कोई भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स, आप जाने अनजाने अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ज़्यादती कैसी है, हम तो अपने बच्चे को उसकी लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, हम तो अपने बच्चे को उसकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो इसमें ज़्यादती कैसी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल होने की अगर सबसे छोटी डिफिनेशन है वो ये कि कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो अपने पैशन को, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को पहचाने और उसको फॉलो करे। और फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो जो है वो अपने बच्चे के हुनर को, अपने बच्चे के टैलेंट को, अपने बच्चे के पैशन को नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि वो अपना कोई ख्वाब अपने बच्चे के ऊपर लाद रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है उस ख्वाब को पूरा करे। और फ्रेंड्स, पेरेंट्स दावा क्या कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्यार का मकसद ये नहीं होता है कि अपनी ख्वाहिशों को दूसरे के ऊपर लादना, अपने बच्चों के ऊपर लादना, बल्कि अपने बच्चे की ख्वाहिश को समझना, अपने बच्चे की फीलिंग को समझना कि वो अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, जो है जितने भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अगर अपना, अपने बच्चे को आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चे को ना तो किसी से कंपेयर करिए और ना ही कोई ड्रीम, ना ही कोई अपना ख्वाब जो है वो अपने बच्चे के ज़रिए पूरा कराने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो उसका पैशन और उसका हुनर ढूंढने में, उसका टैलेंट पहचानने में उसकी पूरी हेल्प करिए, उसके पूरा सपोर्ट करिए और उसको उसी के टैलेंट और उसी के हुनर के ज़रिए उसको आगे बढ़ाने में और उसको सक्सेसफुल बनाने में अपनी पूरी कोशिश करिए, उसका अपना पूरा सपोर्ट दीजिए उसको। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुँची हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।